वेरिएंट की दस्तक के साथ ही WHO ने जारी किया अलर्ट। क्या भारत में आएगी चौथी लहर? क्या फिर से लगेगा लॉकडाउन? कोरोना के नए वेरिएंट की इस आहट के साथ कितना है स्वास्थ्य महकमा तैयार? कितना खतरनाक है कोरोना का ये नया वेरिएंट? क्या है विश्व भर में कोरोना का हाल? भारत में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए एक और नए वेरिएंट की चेतावनी ने अब सभी के कान खड़े कर दिए हैं, क्योंकि कोरोना की तीन लहरों में हुए नुकसान की घंटी एक बार फिर से लोगों के जहन में डर पैदा कर रही है। और ये चेतावनी किसी भी मेडिकल संस्थान की तरफ से नहीं आई है, बल्कि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने खुद ही चेतावनी जारी की है, जिसके तहत ही विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एधनोम गेब्रेयेसस ने हाल ही में कई बातें कही है, जिसके तहत ही उन्होंने कहा कि भारत सहित विभिन्न देशों में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के एक नए उप वेरियंट BA.2.75 का पता चला है, जिसका अनुसरण विश्व निकाय विकास कर रहा था। कोरोना पर वैश्विक स्तर पर रिपोर्ट किए गए मामलों में पिछले दो हफ्तों में लगभग 30% की वृद्धि दर्ज की गई है। WHO ने अब उन क्षेत्रों में से चार जो पिछले सप्ताह मामलों में वृद्धि देखने को मिली है उसका आकलन कर रहा है। यूरोप और अमेरिका की ही बात कर ले तो BA.4 और BA.5 लहर चल रही है। भारत जैसे देश की ही बात करें तो यहाँ BA.2.75 की एक नई उपवंश का पता चला है, जिसका अनुसरण अभी किया जा रहा है। ऐसे में WHO ने साफ संकेत दे दिए हैं कि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, हम अभी भी महामारी के बीच में हैं और इस वायरस में बहुत ताकत बाकी है। ऐसे में चाहे वो BA.4 हो या BA.5 या BA.2.75 हो, वायरस अभी जारी रहेगा। वर्तमान समय में ही वायरस जीत रहा है, क्योंकि हम सबसे कमजोर लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार समेत देश के कई राज्यों में कोरोना के मामलों में वृद्धि देखने को मिल रही है। बीते कुछ दिनों से मामलों ने स्वास्थ्य महकमे की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि राहत की बात यह भी है कि मामलों में बेतहाशा वृद्धि अभी देखने को नहीं मिल रही है, साथ ही जान गंवाने वालों की संख्या में भी वृद्धि नहीं हुई है। ऐसे में कोरोना के इस नए वेरिएंट का असर कितना खौफनाक हो सकता है ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर अब चर्चाएं तेज है। साथ ही WHO ने भी अब कोरोना के इस वेरिएंट की जांच को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। वहीं कोरोना की बीती तीन लहरों में काफी नुकसान भी हुआ है, अर्थव्यवस्था तो प्रभावित हुई है, कई लोगों की जाने भी गई है। जिसके बाद से ही कोरोना की हर नई लहर को लेकर लोगों के मन में डर बना रहना लाजमी है। बीते कुछ समय में लोगों को इस बात की हालांकि उम्मीद तो थी कि अब कोरोना खत्म हो गया है, लेकिन नए वेरिएंट मिलने के साथ ही अब लोगों को एक बार फिर से कोरोना की नई लहर को लेकर डर सताने लगा है, जिसके बाद ही अब देखने वाली बात ये होगी कि कोरोना का नया वेरिएंट कितना खतरनाक होने वाला है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।